सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइज हम लोग के पास आ चुका है पोको C50 स्मार्टफोन। तो गाइज आज हम लोग इस फोन का एक वीक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस फोन में। तो गाइज फटाफट से पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पर बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आप लोग को जो मतलब वो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाता है। बाय द वे अभी स्मार्टफोन को साइड में रखते हैं। और गाइज यहाँ पर आप लोग बॉक्स में एक आप लोग को माइक्रो USB केबल, 10 वॉट का एक एडाप्टर और उसी के साथ एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बाय द वे आप लोग को इस फोन के साथ कवर देखने को नहीं मिलता है, बट गाइस जो इस फोन का लुक और डिजाइन है मेरे को काफी पसंद आया। तो गाइस सर फटाफट से इस फोन में फ्री फायर को इंस्टॉल करते हैं और गेम को ओपन करते हैं फटाफट से। सो गाइज यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है इस फोन में। और गाइज मैच स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को जो मेरा सेंसिटिविटी और सेटिंग वगैरह है वो गाइज सारा चीज दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पे, यहाँ पर चलते हैं सेंसिटिविटी पे। और गाइज मैं यहाँ पर सारा का सारा सेंसिटिविटी 100 पर रखकर खेलने वाला हूँ। और जो मेरा डिस्प्ले रहेगा उसमें गाइज ग्राफिक्स मेरा मैक्स पर रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी हाई पर रहेगा, शेडो भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी OCN पर रहेगा और हाई FPS भी हाई पर रहेगा। सारा चीज़ हाई पर रखकर खेलने वाले हैं, एकदम एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे। तो गाइज वीडियो को लास्ट जरूर देखना और चैनल पर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज फटाफट से यहाँ पर मैंने मैच लगा लिया है और चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। सो गाइज यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। और गाइज अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हो वो गाइज खेला गया है पोको C50 स्मार्टफोन में। तो गाइज यार यहाँ पर जो आप लोग उस फोन का ग्राफिक्स वगैरह है वो गाइज सारा चीज़ें देख सकते हो। तो गाइज यार फटाफट से मैं आप लोग को जो भी इस फोन का हाईलाइटेड फीचर है, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारा चीज़ें बता देता हूँ। और गाइज लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि इस फोन को इस प्राइस रेंज में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ गाइज अगर चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि गाइज यार आप लोग को एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो बनाने में गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो गाइज लाइक भी कर देना यार और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो गाइज फटाफट से मैं आप लोग को जो भी इस फोन का स्पेसिफिकेशन है वो सारा चीज़ें बता देता हूँ। तो गाइज अगर सबसे पहले बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, तो गाइज सर ये फोन आप लोग को फ्लिपकार्ट पे अंडर 7000 में देखने को मिल जाता है अगर आप लोग कार्ड वगैरह लगा देते हो तब। बाय द वे अगर एक्चुअल के प्राइस के बारे में बात करें तो गाइज इस फोन का प्राइस है 7299 रुपीज़। और गाइज इतने रुपये में आप लोग को 3 GB रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो गाइज यार यही 7300 में आप लोग को ये फोन देखने को मिल जाता है, यानी कि 7300 में। और कार्ड वगैरह लगाओगे तो गाइज अंडर 6000 में भी ये फोन पड़ जाता है। बाय द वे गाइज आप लोग को इतने प्राइस में 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज काफ़ी अच्छा मतलब दिया गया है। अगर बात करें इसी के साथ इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो गाइज यार इस फोन में आप लोग को मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गाइज एक क्वाड कोर वाला प्रोसेसर है। तो गाइज ओवरऑल बोले तो जो इस फोन का प्रोसेसर है वो गाइज उतना कोई तगड़ा प्रोसेसर नहीं दिया गया है। और गाइज अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इस प्रोसेसर से आप लोग गेमिंग बहुत ही मतलब मीडियम में कर सकते हो, और मैक्स पे आप लोग गेमिंग नहीं कर पाओगे। आप लोग को स्टैंडर्ड पे गेमिंग करना पड़ेगा। क्लैश स्क्वाड और जो रैंक मैच होता है वो भी गाइज क्लैश स्क्वाड रैंक और बरमूडा रैंक दोनों आप लोग स्टैंडर्ड पे खेलना पड़ेगा। क्योंकि गाइज अगर आप लोग अल्ट्रा पे खेलोगे तो गाइज अल्ट्रा या फिर मैक्स पे खेलोगे तो गाइज आप लोग को थोड़ा बहुत लैगिंग फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइज देखो नया नया फोन आता है तो गाइज उस टाइम आप लोग को कोई उतना मतलब मेजर लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट गाइज जब धीरे धीरे फोन पुराना होने लगता है तब गाइज आप लोग को लैगिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो गाइज आप लोग को लगता है कि भाई ये मतलब मैं तो मतलब मैक्स पे खेल रहा हूँ तो गाइज हम भी लोग खेल सकते हैं, बट गाइज जो मतलब रियल रिव्यू होता है वो गाइज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। तो गाइज ओवरऑल बोले तो ये फोन गेमिंग के लिए बना ही नहीं है, ये फोन मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए बना है, जैसे कि मतलब व्हाट्सअप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह देखना, यूट्यूब वगैरह मतलब चलाना, इन सब के लिए ये फोन बना है। ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। बट गाइज अगर गेमिंग के लिए भी इस फोन का आप लोग बाय करना चाहते हो तो गाइज स्टैंडर्ड पे आप लोग खेल पाओगे, आप लोगों को कोई उतना दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल बोले तो प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और गाइज इस प्राइस रेंज के हिसाब से ऐसे ही कुछ प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में तो गाइज बैटरी भी इस फोन का काफ़ी अच्छा है, 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि आराम से 5 से 6 घंटे लगातार गेमिंग करोगे तो गाइज टिक जाएगा। और गाइज अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो गाइज यार इस फोन में आप लोग को 6.52 इंच का HD+ स्क्रैच रेजिस्टेंस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो गाइज यार अगर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो गाइज यार डिस्प्ले भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। HD+ ही देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, बहुत सारे फोन में HD+ ही देखने को मिलता है। तो गाइज इस फोन में भी आप लोग को नॉर्मल HD+ ही देखने को मिल जाता है, बट गाइज डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है। और गाइज खेलते टाइम भी आप लोग को रेजोल्यूशन वगैरह है वो गाइज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो गाइज ओवरऑल बोले तो प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले A1 निकल कर आ जाता है। अगर बात करें कैमरा के बारे में तो गाइज यार कैमरा आप लोग को इस फोन में डिसेंट देखने को मिल जाता है। बैक में गाइज आप लोग को 8 MP का एक कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आप लोग को 5 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइज कैमरा भी आप लोग को डिसेंट इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगर ओवरऑल
ओवरऑल बोले कि इस फोन को गेमिंग के लिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि ये फोन इस प्राइस रेंज के हिसाब से A1 निकल कर आ जाता है। प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, बैटरी भी, डिस्प्ले भी, ओवरऑल बोले तो A1 निकल कर ये फोन आ जाता है। आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो गाइस यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।